तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंतहा हो गए इंतजार की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा है राम मंदिर का, अयोध्या के उस राम मंदिर का, जिस पर रोज तारीखें बदलती हैं और अटकलें लगती हैं कि इस साल मंदिर बनेगा कि अगले साल। क्योंकि रामपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिवाली पर अयोध्या में श्री राम की मूर्ति बनेगी, वो भी भव्य मूर्ति बनेगी। कोर्ट में राम मंदिर का मुद्दा है, इसलिए वहां हम भव्य मूर्ति बनाएंगे। पर्यटन विभाग इसे बना रहा है, हम अयोध्या का डेवलपमेंट जरूर करेंगे, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। हम आपको बता दें कि आदित्यनाथ अयोध्या में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की तरह ही राम मूर्ति भी बनाएंगे। अयोध्या में बनेगी राम की सबसे ऊंची मूर्ति, ये दीपावली पर होगा योगी का तोहफा। क्या ये सच में होगा योगी का तोहफा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि गठबंधन पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान कसा है, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं बन रहा है तो सभी सरकारें सभी पार्टियां मिलकर गठबंधन बना लें। गठबंधन पर भी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं बन रहा है तो भी सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन बना लें, पता चल जाएगा कि जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ है और मोदी जी की ही लहर है। क्योंकि हम आपको बता रहे कि 2019 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले राम मंदिर मुद्दा एक बहुत ही अहम कड़ी साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या राम मंदिर बन पाएगा। कई ऐसे सवाल जिसको जानने के लिए आप देखते रहिए JP7 न्यूज। नमस्कार। हम आंदोलन करेंगे अगर राष्ट्रीय संघ के सरकारवादी ने क्या बयान दिया है उस पर मेरी कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। और इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी प्रकार का किसी भी विषय को लेकर के आंदोलन का अधिकार होता है। आप भी कोई मुद्दा लेकर के आंदोलन कर सकते हैं। सरदार पटेल जी की मूर्ति के बाद अब श्री रामचंद्र जी की मूर्ति सबसे ऊंची बन रही है, तो क्या अब स्टैचू देख रहे हैं, स्टैचू कंपटीशन शुरू हो गया क्या? कर नहीं, देखिए भगवान राम लला की जन्मभूमि पर हम सब जल्द से जल्द भव्य मंदिर चाहते हैं, लेकिन भव्य मंदिर बनाने के का मामला कोर्ट में है। कोर्ट में मामला होने के कारण से हम रामलला के मंदिर के निर्माण में सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन अयोध्या का विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए अयोध्या का विकास का काम शुरू हो गया।